हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन रक्षक भर्ती 2016 के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिसंबर को, उसके एग्ज़ाम पेपर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें जो है दोस्तों, मैं बात करूँगा जो उसका थर्ड सेक्शन था, जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। उसके 50 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे एग्ज़ाम में, उनको सभी को हम देखेंगे। एक तो क्वेश्चन जिस पर लोगों को डाउट है और जो क्वेश्चन इस पेपर में गलत आया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके जो 2 सेक्शन थे, हिंदी का और दूसरा जीके का, उस सेक्शन के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं उसका जो थर्ड सेक्शन था, जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण। उसके क्वेश्चंस का जो सबसे पहला क्वेश्चन था यानी 131, वो क्या था चलिए देखते हैं। तो उसमें दिया है, उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति एम्बेडेड है। आपको बताना है ये जो आकृति है इस तरह से, वो किस फिगर के अंतर है, आपको बताना है। तो देखिए, जो आपको फिगर दिख रहा होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी, यानी इसमें ये वाली फिगर एम्बेडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तो देखिए, तीनों ऑप्शन में क्या होगा, इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए ट्रायंगल और पंचभुज, ठीक है, इसमें भी ट्रायंगल और पंचभुज है। और अगर हम आगे की बात करें 4th ऑप्शन में, उसमें भी डायगोनली ट्रायंगल पंचभुज है और जो क्रॉस और जो है प्लस का साइन है। तो अगर देखा जाए, ट्रायंगल और पंचभुज किसके अंदर नहीं है, वो ऑप्शन बी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 133, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया समान पैटर्न के आधार पर हमें बताना है कि अगला जो है, इन्होंने दिया गया है समान पैटर्न का पालन करने वाले विकल्प का चयन करना है, कि कौन सा जो है समान पैटर्न, इसी के तरह पैटर्न है किसके अंदर। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए हाफ किया गया है, इसमें हाफ किया गया है, इसमें भी हाफ किया गया है फिगर को, इसमें भी, तो कौन सा फिगर है जिसमें हाफ किया गया है, सिर्फ और ये ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 134, इसमें पूछा गया है 3 आकृति दी गई हैं, जैसे कि पहली दूसरे से संबंधित है, ठीक है, पहली आकृति जिस तरह से दूसरे से संबंधित है, आपको बताना है तीसरी आकृति चौथे से संबंधित होगी, यानी कौन सा विकल्प इसके लिए होगा। तो देखिए, इसमें क्या है आपको देखना है, इसमें देखिए यहाँ पर क्रॉस था, तो यहाँ पर भी क्रॉस है, ठीक है, सेम है। और अगर हम बात करें, इसमें क्या था, बाहर ट्रायंगल था तो इसके अंदर ट्रायंगल है, तो आपको ऐसे याद करना है, देखिए बाहर सर्किल था तो अंदर सर्किल होगा, बाहर ट्रायंगल होगा, ठीक है, इस तरह से। अंदर दोनों में क्रॉस था तो इसमें प्लस है, तो दोनों में प्लस होगा, कुछ इस तरह की आकृति होगी। अब आपको फाइंड करनी है, तो देखिए प्लस वाली आकृति होनी चाहिए। अब प्लस वाली सिर्फ और सिर्फ ये आकृति है जो कि उल्टी बनी हुई है, तो या तो ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है दोस्तों, उसके लिए जो आंसर दिया हुआ है बोर्ड ने, वो दिया है 130 क्वेश्चंस का, 34 का, वो दिया है ये ऑप्शन बी, जो कि कहीं से कहीं सही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आंसर की है, इसका जो आंसर ये 134 वाला है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, अभी बोर्ड ने इसके लिए क्लेम मांगा हुआ है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ इसके लिए क्लेम कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इस पर पूछा गया है कि 3 से 4 जो सॉरी 1 और 2 जिस तरह से रिलेटेड है, वैसे इन दोनों में से कौन होगा। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें आप सिमिलरिटी पकड़िए, इसमें देखिए ये इस तरह की आकृति थी, फिर उसके बाद ऊपर वाली जो आकृति है उसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, उसको उल्टा। तो इसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करेंगे और इसके ऊपर एम्बेडेड करेंगे, तो कुछ आकृति इस टाइप की बनने वाली है, यानी ऑप्शन सी की तरह। अब देखिएगा इसको सही से, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए, उसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये इस तरह की आकृति बन जाएगी, यानी ऑप्शन सी की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेन आरेख को चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों में सही ढंग से दर्शाता है, कौन कौन सा, अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष, इनके लिए कौन सा होगा। तो ये तो दोस्तों बी होगा, क्योंकि कुछ अविवाहित पुरुष भी होंगे, कुछ जो है बिजनेसमैन लीडर भी होंगे, और कुछ तीनों भी होंगे, तो इस तरह का जो फिगर बनता है तीनों के लिए, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 137, इसमें दोस्तों क्या था, इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा बताया गया था कि समकोण जो है, सॉरी त्रिभुज शाकाहारी यानी शाकाहारी लोगों को दर्शाता है, और हमसे कहा गया समकोण जो है वो चॉकलेट को दर्शाता है, और वृत्त जो है उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है, और ये चॉकलेट को दर्शाता है, ये चीज़ दे रखी है।
अब आगे आप देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है, तो पूछा गया है कि भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरशा चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जो तीनों को कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए हैं बेन आरेख का एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों द्वारा, ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ट्रायंगल के लिए उन्होंने कहा बिलियर्ड है, और समकोण त्रिभुज जो है, सॉरी ट्रायंगल जो है बिलियर्ड से संबंधित है, और अगर हम कहते हैं समकोण स्क्वायर, सॉरी आगे पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है आप देखिएगा, त्रिकोण बिलियर्ड्स खिलाड़ियों को दर्शाता है, समकोण जो है स्क्वायर्स खिलाड़ियों को दर्शाता है, गोल्फ ये गोल्फ को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर्स के लिए, तो ये तीनों दे रखे हैं। अब इससे आधारित क्वेश्चंस है, इसमें क्या है आपको देना है कि इसमें पूछा गया है वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों की संख्या बतानी है, सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी थी, तो टोटल कुल खिलाड़ी कितने थे आपको ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 55। तो आपको क्या कर लेना है, सभी के आधार पर क्या करना है, देखिए ये 12 को ऐड कर लेना है, 12 को ऐड करना है, 8 को इस तरह से सभी को ऐड कर लेंगे तो 55 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणों की कुल संख्या बतानी है। तो देखिए त्रिभुजों की अगर हम संख्या की बात करें तो देखिए इसके अंदर कितने होंगे, एक, फिर इसी आधार पे दूसरा भी हो जाएगा इस तरह से, फिर तीन, फिर चार, तो ये चार तो ये ट्राइंगल हो गए, फिर ये छोटे छोटे चार हो गए, ठीक है, आठ हो गए, फिर आठ के बाद 9, 10, 11, 12 हो गए, ठीक है, 12 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद जो है टोटल कितने, 13 होंगे, ठीक है, इसके बाद कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित चित्र को सही वाटर इमेज बतानी थी। तो इसकी वाटर इमेज देखिए, वाटर इमेज हमेशा बनाई जाती है वो नीचे को बनती है, ठीक है, इसके नीचे ऐसा कोई फिगर लेना है जो ऐसा ही हो। तो देखिए इसके लिए जो सिमिलरिटी होगी आप चेक करिएगा, वो होगा ऑप्शन ए, इसकी वाटर इमेज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दिया गया शशिकला लंबी दौड़ के लिए घर से निकली, चार घर से शुरू किया और उत्तर दिशा की ओर जो थी 4 किलोमीटर चली, ठीक है, उत्तर दिशा में वो 4 किलोमीटर चली, फिर क्या हुआ वो दाई ओर मुड़ी 3 किलोमीटर चली, फिर वो बाई ओर मुड़ी उस 4 किलोमीटर चली, फिर अंत में दाई ओर मुड़ी 3 किलोमीटर चली। तो अब पूछा गया वो स्टेडियम से किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में है, ये दिशा है उसकी, कौन सी हो गई है, ये हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों पूछा गया है कि वो कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है, और ये भी 5 हो जाएगा, तो अगर हम 5 + 5 कर दें तो ये 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो जो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों वो 10 किलोमीटर हो गया, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पासे के लिए। तो इसमें देखिए 5 के विपरीत पूछा गया है, तो आप देखिए 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1, तो जो बच जाता है वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, तो 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा निर्धारित करेगा तर्क वाले क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए तर्क वाले का। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, 144 हो गया, 145 की अगर हम बात करें तो 145 का जो आंसर होगा दोस्तों उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट 146 जो था, इसमें भी पूछा गया है कि नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को घर भर दिया और अपनी चालक संबंधित आधिकारिक कार को काम के लिए निकल पड़ा। तो इसकी जो धारणा है कि वो क्वेश्चन में क्या धारणा हो सकती है, तो वो होगी, वो क्या होगी, ऑप्शन ए, यानी नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है इसलिए वो वर्दी पहन के और ये सारी चीज़ें करके गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 147, इसमें कथन और धारणा दिया हो, इसमें दिया है सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक में निकल गई, अपने बेटे के लेने के लिए चली गई क्योंकि उससे तेज बुखार था। तो सुषमा जो क्यों निकली, यानी सुषमा एक कामकाजी माता है इसीलिए, वो माता भी है क्योंकि अपने बच्चे के लिए निकली और कामकाजी है इसीलिए, तो ऑप्शन बी यानी इसका केवल धारणा सेकेंड सही होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 148, तो इसमें दिया क्या है कि कथन और धारणा दी हुई है, इसमें दिया है निर्देशन को, निर्देशक को एक लिखित आश्वासन देने के बाद कहानी की किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों का विकृत नहीं किया गया, फिल्म को रिलीज किया गया। तो अगर ऐसा करने पर फिल्म को रिलीज किया गया है तो ऐसा क्या धारणा है उस फिल्म से रिलेटेड, तो उस फिल्म में क्या है, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है इसीलिए फिल्म को रिलीज होने के लिए उसे एक ये धार देना पड़ा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 149। इसमें पूछा गया है प्रश्न है, क्या गणेश की एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तो क्या तर्क हो सकती है कि उसे मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, तो क्यों खरीदनी चाहिए? तो इसके लिए जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हाँ गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे उसने 15 साल की पहले कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा था, उस मोटरसाइकिल के आने जाने में अक्सर परेशानी होती इसलिए खरीदी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है नहीं, क्योंकि प्रदूषण को मौजूदा समस्या को बढ़ा देगा, तो इस बात का उससे कोई मतलब नहीं है, यानी तर्क एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, ये श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि सभी पत्तियां छाल हैं। अगर हम बात करें सभी पत्तियां जो हैं वो छाल हैं, ठीक है, छाल हो गई, ठीक है, छाल अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें सभी छाल बीज हैं, अगर सभी छाल को बीज की बात करें यानी बीज, ठीक है। अब आप देखिए इसमें पूछा गया कुछ छाल पत्तियां हैं, तो ये छाल हैं, अगर ये छाल हैं तो पत्तियां होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ बीज पत्तियां हैं, देखिए ये पूरा पार्ट बीज है, अगर ये पूरा पार्ट बीज है तो हमसे पूछा गया पत्तियां भी होंगे, तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये इसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी स्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया सभी जूते मोजे हैं, ठीक है। अब हम बात करें जूते की, तो जूते जो हैं सभी जूते मोजे हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ शर्ट जूते हैं, सॉरी फिर हमसे कुछ सॉरी एक मिनट, हाँ सभी जूते मोजे हो गया, फिर सभी मोजे शर्ट हैं। अब ये मोजे था, मोजे सभी मोजे शर्ट हैं हमसे बोला गया है, तो ये शर्ट हो गया। अब हमसे पूछा गया कुछ मोजे जूते हैं, तो देखिए मोजे जूते हैं तो सभी जूते ये हैं, ठीक है, कुछ मोजे जूते हैं तो बिल्कुल मोजे ये हैं हमारे पास, जूते इसके अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। फिर पूछा जाए कुछ शर्ट जूते हैं, तो यानी जूते जो हैं शर्ट के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सही ढंग से भरा जाए, तो इसमें देखिए क्या है LLMN, फिर उसके बाद LLM, अब देखिए इसमें सीरीज क्या बन रही है LLMNN, ठीक है, N होना चाहिए, फिर O के बाद PP, Q के बाद RR, S के बाद TT, U के बाद फिर U के बाद BB और W के बाद XX, ठीक है, और इस तरह से होगा NRUX, आपको जहाँ भी दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि बताना है इस भाषा में सरप्राइज को क्या लिखेंगे, तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, देखिए A को B में बनाया जा रहा है, ठीक है, और फिर M को N बनाया जा रहा है, तो एक नीचे है और फिर एक ऊपर है, इस तरह का बन रहा है। अब आप सरप्राइज में देखिए तो एस के बाद टी आएगा, यानी टी वाला कोई ऑप्शन सही होगा, और यू किसके बाद आता है, टी के बाद, यानी TT, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें इसी से बनाया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इनसे बनाया, तो देखिए इसके लिए जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी फादर जो है इसमें सारे लेटर आते हैं इसी के, फादर के, ठीक है, सॉरी फादर के लेटर में जो इन्होंने एच दिया है वो इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसके लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसमें हमसे पूछा गया है स्वीट कॉर्न शॉप के लिए वाले बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पाम बाम काम। इसको देख लीजिएगा आप, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगला है 156। इसमें दिया गया 3 युग्म हैं, इनमें बताना है कौन सा अलग है, तो अलग देखिए लंबा और ऊंचा अलग है, बाकी सारे अलग है, क्योंकि लंबा ऊंचा जो उच्च जो है एक ही मीनिंग रखते हैं, ठीक है, बाकी सारे अलग क्वेश्चंस हैं। 157 की बात करें तो इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें रिलेशन पूछा गया है, ममता के पिता रमन की बहन है, इसको कोमल जिसके बेटे लोकेश का बहन का नाम दीपा है, रमन की माँ और दीपा के पिता से क्या संबंध होगा, तो ऑप्शन होगा बी सास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़की की परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ की बेटी की बेटा है, तो विपिन का उस महिला से क्या संबंध होगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट होगा दोस्तों नीच कूट भाषा में दिया गया है, इसमें पूछा गया है कंसल्ट को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको फिर से देखिए, देखिए बी को सी लिखा गया है, बाद में एच के बाद आई, फिर डी के बाद ई और एम के बाद एन, तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो आपको यही चेक करना है, देखिए सी से पहले कौन आता है बी, और ओ के बाद क्या आता है पी, तो ठीक है बी पी किस में दिया हुआ है आप चेक कर लीजिए, बी पी जिसमें दिया है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा तीसरे स्थान पाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मिस्टेक है दोस्तों, ये इंग्लिश में तो सही दिया है क्योंकि इंग्लिश में ये देखिए आपको इंग्लिश वर्ड दे रखे लेटर, अंग्रेजी शब्दकोश यहाँ तो कोई अंग्रेजी शब्दकोश है ही नहीं ना, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा अगर हम इंग्लिश के बेस पर चेक करें। तो इसके लिए जो पैटर्न बनेगा उसके लिए उन्होंने कहा है तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोटेशन। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें दोस्तों अगर हिंदी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक है, या तो ये ड्रॉप होगा या अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर दिया जाएगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी कूट भाषा में मैग्नीफायर को फायरमैन के रूप में लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन में हमें देखना है, इसमें देखिए आप जो है इसमें क्या किया गया है, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें इसको, ठीक है, और हम FIER को इधर लिखते और MAGN को बाद में लिखते, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अगर हम करें सेम इसको भी दो पार्ट में ड्रॉप करें तो देखिए एस के बाद वाला जो पार्ट है IENT, तो IENT तो पहले आएगा, बाकी ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेड को दिस लिखा जाता है, हायर को 1423 और राइट को 2463 के रूप में लिखा जाता है, तो डियर के लिए, तो देखिए इसमें क्या बहुत ही आसान है, डी के लिए देखिए कोड कौन सा है, 6 है, तो आपको 6 वाला देखना है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट बस। नेक्स्ट है विकल्प में चयन करें तीसरे शब्द में किस तरह संबंधित है, देखिए 10 को 105 कैसे बनाया गया, 10 का स्क्वायर होता है 100 और उसमें 10 का आधा यानी 5 ऐड किया गया, 105 हो गया। अब हम बात करें 18 की, तो 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है और 18 का आधा कितना होता है 9, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 133 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये पूछा गया है, तो इंस्ट्रूमेंट से जो शब्द बनाया जाएगा दोस्तों वो बनाया जाएगा ऑप्शन सी यानी इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 165, इसमें पूछा गया है दूसरा शब्द पहले शब्द से किस प्रकार संबंधित है, इनका जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है उसी प्रकार इस ये किस किस पर संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है 30 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको भी अगर 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है दूसरा पहले से संबंधित है तो तीसरा किससे संबंधित होगा, तो इसमें भी आप देखिए 3 किया गया है, इसको 3 किया गया है, तो इसको भी 3 अगर हम करेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि इसको अगर हम चेंज कर दें 4 को 5 से के स्थान बदल दें तो क्या होगा LHS में, तो देखिए अगर हम 120 लिखें, ठीक है, इन्होंने हमसे कहा है 120 लिखना है और हमसे कहा गया है अगर चिन्ह भाग को माइनस के साथ बदल दें, यानी 120 माइनस को भाग बना दें, ठीक है, 4 को 5 कर दें, ये सब करना है, भाग को माइनस और इसको 4। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 24 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा, यानी ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें देखना है कि 200 परिवार थे, ठीक है, 201 परिवार थे इस तरह से, चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और अगर 169 की बात करें, इसमें पूछा गया है कोई वाहन नहीं होगा तो 169 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और 170 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, और अगर हम बात करें कितने परिवार को कम से कम एक वाहन है तो एक वाहन की अगर हम बात करें तो 171 यानी ऑप्शन ए 185। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया कम से कम सभी 3 विषयों को पसंद किया हो तो सभी तीनों को कौन करेगा, जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो का ऑप्शन सी यानी 11, जो तीनों बीच का पोर्शन होता है वो तीनों को करता है। ठीक है, अगला है कितने विद्यार्थी भौतिक गणित दोनों लेकिन अंग्रेजी नहीं करते, तो देखिए भौतिक गणित और जो है अंग्रेजी नहीं करते वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा 9। ठीक है, अगला है कितने छात्र दिए गए विषयों में केवल एक ही पसंद करते हैं, तो एक कितने छात्र करते हैं वो 72 छात्र है। अगला क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी दिए हुए कम से कम 2 विषय पसंद करते हैं, यानी हमें 2 वाले और 3 वाले दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 2 वाले होंगे 46 और उसमें 11 जो यानी जो तीनों को करते हैं उनको ऐड कर देंगे तो 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ये दोस्तों दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, इस तरह से 6 कैंडिडेट हैं उनको आपको बैठाना है, उसके बाद राइट देखना है कि बिल्डिंग जेड के ठीक बाएं कौन बैठा है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है आपको बताना है, तो इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतने को 31835 लिखा जाता है, मैच को 6। तो आप देखिए इसमें कोई कॉमन चीज़ आपको दिख रही है, सी दिख रहा है, तो देखिए सी और सी, तो सी को जो कोटिंग की गई है आप देखिएगा, सी के लिए 3 कोट किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इन सभी के लिए कोडिंग देखनी है, टी के लिए क्या कोड है, तो टी के लिए आपको चेक करना है, टी के लिए यहाँ पर देखिए 3rd लेटर, तो 3 के लिए 8 होगा, तो 8 वाला कोई भी सही होगा। फिर ई, ई के लिए क्या कोड होगा, ई के लिए 7, यानी 87। और फिर उसके बाद हम बात करें ए के लिए क्या कोड होगा, ए के लिए 1, तो 871, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 79 देख लेते हैं। 179 इसमें पूछा गया लेखक किताब से संबंधित है, तो इसका कौन सा होगा, यानी पढ़ाई फर्नीचर से होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वां है स्थान पे है, दाएं से 7वें स्थान पर है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, सचिन जो है 11वां है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और जो राज है वो 7वें स्थान पर है दाएँ से, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें इनके आपस में स्थान बदल दिए जाते हैं, तो सचिन बाईं ओर से 16वां हो जाता है, यानी सचिन यहाँ पर 16वां हो गया, ठीक है, इधर से। अब आप देखिए इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, और एक माइनस करते हैं हम तो कितना बचता है, 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी 22, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे रीजनिंग से पूछे गए थे वनरक्षक के एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि ताकि मैं आपको पैटर्न दिखा पाऊँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, बीडीओ का एग्ज़ाम हाल ही में आने वाला है, उसके लिए आपको एक आइडिया लग पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो हिंदी का और सेक्शन था और जीके का सेक्शन था, उसके लिए वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आपको जो है वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो था दोस्तों वो शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, और अब इसके लिए जो शिफ्ट 2 में एक पेपर और आया था उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।